वेलकम बैक टू अवर चैनल अनवी काशवी फैमिली शो। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं अपनी सबसे ऊपर वाली छत पे, अपनी टेरिस पे अभी हम आए हुए हैं, क्योंकि वेदर हो रखा है कमाल का, बिल्कुल मस्त मौसम हो रखा है। तो हमने सोचा चलो थोड़ा देर ऊपर चलते हैं, 6 से ऊपर टाइम हो चुका है और अनवी काशवी लगी हुई है खेलने में। तो ये दोनों कर रही है क्ले आर्ट। क्ले से काशू क्या बना रहे हैं? अनवी क्या बना रहे हो जल्दी से बता दो। हैट एंड फ्लावर, रोज। और मैं ये बना रही हूं। और काशू ने बनाया एक स्वीट सा एप्पल और स्वीट सा ऑरेंज। वाओ, गुड गर्ल। मेरे को हैट। अच्छा, तो बहुत टाइम हो गया हमें यहाँ आए। अच्छा, ये वाली एक्टिविटी कौन करके दिखाएगा जिसके आप ऊपर बैठे हो? हैंड और लेग्स। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वेदर कैसा हो रखा है। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। शाम के 6:30 हो गए हैं लगभग। और ये देखो हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इधर देखो कितना अच्छा हिल स्टेशन जैसा लग रहा है ना नी उस तरफ। तो तो ये वाली क्लिप वीडियो में मेरी थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे बैकग्राउंड से वॉइस देनी पड़ रही है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने नीचे वाले फ्लोर पे। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे अपना छोटा सा टेरिस गार्डन। काफ़ी ग्रीनरी हमने यहाँ पे कर रखी है, तो वो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये बहुत सारे पॉट रखे हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपना अमरूद का पेड़। देखो कितना छोटा सा पेड़ है बिल्कुल, और इतना मोटा अमरूद इस पे आया हुआ है। ठीक है, तो देखो आप तना देखो इसका, बिल्कुल छोटा है और ब्रांचेस कैसी हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस है और इतना मोटा इस पे अमरूद हमारे आया हुआ है। काशी रो रही थी कि मैं तोड़ूंगी, और फिर भी उससे टूटा नहीं क्योंकि काफ़ी टाइट इससे ये लगा हुआ था। अभी अनवी ही इसे तोड़ेगी, तो अभी इसको हम खाएंगे। ठीक है, और इसमें नीचे मैंने लगा रखा है ये पुदीना लगा हुआ है नीचे। और जो ग्रीनरी है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा चीकू का पेड़। ठीक है, चीकू है इस पर, बहुत सारे चीकू लगे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मीठे चीकू इस पर लगते हैं। सच में शुगर हो जाए, इतने मीठे चीकू इस पर सच में लगते हैं। तो अभी हम इनको तोड़ते हैं। अभी ये थोड़े ना पके हुए हैं, मतलब टाइट हैं, अभी पके हुए नहीं हैं, तो तोड़ लेते हैं। और इनको 3-4 दिन हमें रखना पड़ेगा, पहले न्यूज़पेपर में जो है फोल्ड करके रखना पड़ेगा, फिर ये 3-4 दिन में होंगे खाने लायक। 3-4 दिन में ये पूरा अच्छे से पक जाएंगे। अभी हम फिलहाल इनको तोड़ के न्यूज़पेपर में। रात होने वाली है, वही 7:30 होने वाले हैं, और ब्लॉग को करते हैं अभी अपने छोटे से मिनी ब्लॉग को, अपने टेरिस गार्डन के ब्लॉग को अभी हम करते हैं यहीं पर एंड। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।